नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश पठानिया और आप देख रहे हैं एक्टिव न्यूज। पंजाब का खनन विभाग सख्ती के मूड में है और पंजाब सरकार की तरफ से भी मानसून मौसम के दौरान माइनिंग पर सख्ती से कार्रवाई करने के आदेश हैं, जिसके चलते विभाग के अधिकारियों ने देर रात पुलिस को एक कारोबारी के विरुद्ध लिखित शिकायत की और पुलिस ने FIR दर्ज कर उक्त कारोबारी के विरुद्ध गैर कानूनी खनन का मामला दर्ज किया। पेश है इस संबंधी टीम एक्टिव न्यूज की एक रिपोर्ट। जी, हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली थी कि रात को कुछ तुमकशस वाले इलीगल माइनिंग करते हैं, उसके रिगार्डिंग फिर हम लोगों की तरफ से पुलिस एंड हमारा डिपार्टमेंट की तरफ से एक चेकिंग की गई। तो रात को मशीन्स लगी हुई थी और टिपर भी माइनिंग कर रहे थे, तो उसके रिगार्डिंग वो हमें देख के भाग गए। तो इन एंड लेकिन फिर भी हम लोगों ने उनका पीछा किया और हमें मुख्य विकास की तरफ से इन्फॉर्मेशन भी प्राप्त हो गई थी कि ये मशीन्स किसकी है। उसके रिगार्डिंग फिर हम लोगों ने एज पर अपनी कार्रवाई कर दी। ये हमें सरकार की तरफ से पूरी सपोर्ट है। सरकार ने हमें बिल्कुल क्लियर कट डायरेक्शंस किए कि हम इलीगल माइनिंग किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। अज तो जी साड़ी सरकार कांग्रेस पार्टी सरकार बनी कुछ मुद्दों से बनी सी, तो सब तो बड़ा मुद्दा जिते रेत माफिया जिन्हों रोक जिन्हों थम पाने लड़े लोगों ने मान सम्मान बख्शा सी ते वोटा पाई सी। जिहड़ा इनलीगल माइनिंग का मुद्दा है ये साडे हल्के मैं जदों तक प्रधान हाँ मैं बर्दाश्त नहीं करा और साड़ी सरकार बतौर मैं प्रधान इस चीज़ के मैं बहुत ज़्यादा सख्त खिलाफ हाँ, क्योंकि जिहड़ा इनलीगली माइनिंग है ये बहुत देर तो साढ़े हल्के की समस्या सी जिन्हों ठल सिर्फ तो सिर्फ कैप्टन सरकार ने पाई है। ये हर इनलीगली माइनिंग जो करता उन्होंने मेरी सख्त वार्निंग है सरकार वालों, जे कोई इनलीगली माइनिंग करेगा सब तो पहले कैप्टन सरकार अगे सब तो पहले मुद्दा मैं रखागा जाके और इन्हों मेरी वार्निंग है। एक अफसर भी एक मेरी वार्निंग है खास करके माइनिंग डिपार्टमेंट वाला भी जायज जो है वह सारे नाल जायज वतीरा कर नजायज किसी ना कर, पर जिहड़ा नजायज इनलीगली माइनिंग करता उन्होंने कदे भी नहीं बख्शन।